अर्चना सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, हम पर हमेशा संकट ही क्यों आते हैं, इसका कोई निवारण बताइए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल। तो जो भगवान की शरण में रहेगा उसके जीवन में संकट नहीं आएंगे। योगेश शर्मा जी, राधे राधे गुरु जी। कुछ लोग राधा कृष्ण का लॉकेट पहनते हैं तो शौचालय में भी पहनते हैं, तो क्या इसका अपराध तो नहीं लगेगा? नहीं, हृदय हमेशा हमारा शुद्ध होता है ना। और आप पहनते जब शौचालय में जाएं तो उसमें हाथ ना लगाएं, टच ना करें, और बाकी यदि आप उतार के जाएं तो बहुत अच्छा है। यदि कोई पहना भी है तो शौच के समय हाथ ना लगाएं अपने गले में, उस बाकी उतार के जाएं तो भी श्रेष्ठ। तो संजय मिश्रा जी, श्रीमन्नारायण गुरु जी, गुरु जी आप कथा में बोलते हैं एक बार भगवान का नाम लेने से मुक्ति हो जाती है, तो सारी जिंदगी नाम जपने की क्या आवश्यकता है? भाई सारी जिंदगी नाम जपने की आवश्यकता यही है कि आप किसी पर निशाना मार रहे हैं, आपके हाथ में 50 पत्थर हैं और निशाना मार रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि 50 पत्थर निशाने पर लगेंगे। 50 में कोई एक दो निशाने पर लगेगा। सारी जिंदगी नाम जपो भगवान का, कोई ना कोई एक नाम निशाने पर लग जाएगा और एक नाम भवसागर से पार लगा देगा। जैसे अजामिल का आखिरी समय एक नाम निशाने पर लग गया। तो सारी जिंदगी नाम जप, देखो ना हम लोग नाम जपते हैं, कई बार मन यहाँ होता है वहाँ, तो इस ये नाम सब फालतू चले जाते हैं। जो कभी एक नाम निकल गया हृदय से, जो पूर्ण रूप से समर्पित भाव से निकला, वो एक नाम पर्याप्त है। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, और एक बार दशरथ कहे सो कोट यज्ञ फल होए। दसों इंद्रियों को साध कर जो नाम एक बोला जाएगा, उस एक नाम की महिमा है। और वो जब बोलते रहेंगे तो कोई एक निशाना लगेगा, इसलिए नाम जप का कहा जाता है। कल्याण तो एक ही चिनगारी से जंगल ध्वस्त हो सकता है, पर वो एक चिनगारी के लिए ना पूरी माचिस खरीदनी पड़ती है। एक चिनगारी के लिए पूरी माचिस खरीदनी पड़ती है। एक माचिस में कितनी सारी तीलियां होती हैं, और हर तीली में ताकत है कि पूरा जंगल जलाएगी। हमें जरूरत एक तीली की है, पर एक तीली के चक्कर में एक माचिस लेनी पड़ती है। एक माला इसलिए जपना पड़ता है कि 108 बार जपने में शायद कोई एक नाम बढ़िया सा निकल आए, जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो, मन से, वाणी से, मतलब दसों इंद्रियों से। इसलिए आपको क्या लगता है 11 माला जपने से 11 माला का नहीं, 11 माला में दिन भर के नाम जप में कोई एक दिन का, कोई एक काम ठाकुर जी को प्रिय लग जाता। मैंने 100 काम किए, इतनी सेवाएं की मैंने, हर सेवा थोड़ी भगवान को भाती है, कोई एक अच्छी लग गई कल्याण हो गया। ठीक है, आपको बात करनी है? क्या बात करनी है? क्या सोने का खो गया? कहाँ खो गया? कहाँ पर, कब, कितने दिनों की बात है? 6 महीने होगा, रोजगार तो मिल जाएगा पति परमेश्वर को, कोई बात नहीं मिलेगा, चिंता ना करिए। सोना का खोना अपनी जगह ठीक है नहीं है, पर आपका कल्याण होगा, मेहनत करें आपके पति परमेश्वर, सब अच्छा होगा। आप बोलो जी, बोलो। जल्दी दो माइक इनको, बोलो। जय श्रीमन्नारायण गुरु जी, राधे राधे, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मैं मोदीनगर से आई हूँ गुरु जी। गुरु जी मेरा ये प्रश्न है कि कुछ लोग जैसे अधर्म के लिए बोलते हैं नाशो, और कुछ बोलते हैं विनाशो, तो नाश और विनाश में क्या अंतर है गुरु जी? एक ही बात है,
एक ही बात है। अच्छा, जय श्रीमन्नारायण। गुरु जी मेरी मैया और मेरे पूरे परिवार को एक बार राधे राधे बोल दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी हम आपसे मिलने के लिए बोल रहे थे। महाराज जी पहले मतलब हमारे फर्नीचर की शॉप थी, सब कुछ ठीक था, फिर अचानक हमारे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पता नहीं क्या हुआ, किसी ने क्या किया क्या नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया होगा। और फिर मतलब अब बीच में फिर ड्रिंक करने लगे और गुस्सा पता नहीं कितना आता है। ड्रिंक ना करें, संतुलन देखो जीवन में, कई बार ये उतार चढ़ाव आते हैं। पहले नहीं, काम चलते चलते रुक जाना, इससे हमें भगवान हमारे संतुलन की परीक्षा लेते हैं, धैर्यता की, कि आप कितने धैर्यवान हैं। अपनी धैर्यता ना खोइए। महाराज जी हमें आपसे एक बात कहनी है। हमने आपको YouTube पे देखा, सबको प्रश्न मतलब करते हुए, और मुझे हम दिल से मतलब मुझे बहुत ही विश्वास है कि आप एक बार आशीर्वाद देंगे हमें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आशीर्वाद है, भगवान से प्रार्थना। हम 6 तारीख से आए हैं, यहीं पड़े हैं। चिंता ना करिए, पति से बोलिए फिर शुरू करें अपना काम। जी महाराज। यदि बच्चा गिरता है ना तो फिर खड़े होके चलता भी तो। महाराज जी बस आपकी कृपा चाहिए बस, बाकी हमें इतना विश्वास है कि अगर आप आगे बोल देंगे सब कुछ बिल्कुल अच्छा होगा। चिंता ना करिए। राधे राधे महाराज जी। खुश रहिए।